स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक ग्लास है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिस पे रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन होगा, जिसकी शेप स्फेरिकल है। अब आप ये कहेंगे कि मतलब ये कैसी शेप है, आप इस पॉइंट को समझें। अभी तक आपने जो रिफ्रैक्शन सीखी वो प्लेन सरफेस पे सीखी है। आपको मालूम है कि अगर मान लो ये मान लो रे आ रही है और प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन में आई और आर बनेगा, स्नेल लॉ लगा के आंसर आता है। पर अगर आपकी सरफेस ऐसे बनती है या आपकी सरफेस ऐसे होगी, अब मान लो जैसे सपोज करो एक आपके पास ये एक कॉइन पड़ा है प्लेन सरफेस में, आप मुझे आंसर दे सकते हो कि कॉइन पड़ा है वो पानी में पड़ा है, वो कॉइन आपको कितना ऊपर नजर आएगा आप बता सकते हो, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ। पर अगर सरफेस प्लेन नहीं है, सरफेस ऐसी है और कॉइन पड़ा है, आप आंसर नहीं निकाल सकते, वो फॉर्मूला नहीं चलेंगे उसके लिए, क्योंकि आपकी सरफेस क्या हो चुकी है, स्फेरिकल फॉर्म ले चुकी है, कर्वेचर ले चुकी है। तो क्या करना है ये आपको बताता हूं। तो इसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस दो टाइप की है, कन्वेक्स और कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कन्वेक्स और कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि ये मान लो एक ग्लास है ऑफ अ डेंसर मीडियम। तो ग्लास है तो इसके अंदर ये डेंसर मीडियम है, आप इस ग्लास के दो हिस्से कर दो, दो हिस्से करके ये ग्लास ऐसा बनेगा, ऐसा और ऐसा बनेगा, ठीक है, दो हिस्से करके ग्लास ऐसा बनेगा, राइट, क्लियर है यहां तक। तो ये जो ग्लास ऐसा है, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये एक कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। लेकिन अगर मान लो ये ग्लास ऐसा है कि इसके बाहर बाहर इधर डेंसर है और अंदर रेयरर है, अंदर रेयरर है, और मैं इसे तोड़ दूं, अब काटूं दो हिस्से में, अब आपकी शेप पता है कैसी बनेगी, ये देख रहे हो, ये देखो ये डेंसर है, ये देखो ऐसी शेप बनेगी, ये देखो इसे बाहर निकाल दो तो ऐसी, इसे बाहर निकाल दो तो आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा। तो याद रखना ये शेप में ये डेंसर हो अगर तो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और ऐसी अगर ये शेप है और यहां डेंसर है तो कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक? तो शेप याद रखनी है। दूसरी चीज इसके अंदर मैं ऐसे भी याद कर लेता होता हूं कि अगर ये मान लो स्फेयर ऐसा है, ठीक है, स्फेयर का पोर्शन ऐसा है, अगर यहां डेंसर है तो वो कन्वेक्स है और अगर यहां डेंसर है तो वो कनकेव है। देख लो ये सरफेस ऐसी है, यहां डेंसर है कन्वेक्स है, ये सरफेस ऐसा है, यहां डेंसर है तो कनकेव है। याद करने के कई तरीके हैं। रिफ्रैक्ट ये डेंसर और रेरर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू वन म्यू टू से रिप्रेजेंट किया मैंने, ठीक है, म्यू वन बड़ा है कि म्यू टू बड़ा है। अगर मैं कहूं दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन की म्यू टू, किसकी वैल्यू बड़ी है, नहीं आप कह नहीं सकते, मैंने कौन सा वैल्यू बताई है, अब एक्स और वाई में से कौन बड़ा है आप क्या बताओगे, वैल्यू देख के ही बताओगे, तो म्यू टू म्यू वन में से कोई भी बड़ा हो सकता है। लेकिन मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, मैं खुद ही ना उलझ जाऊं, अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं ये मानता हूं म्यू टू बड़ा है और म्यू वन छोटा है, तो म्यू टू डेंसर है और म्यू वन रेयरर है, ताकि मैं याद रखूं न्यूमेरिकल के अंदर कि म्यू वन छोटा रहेगा म्यू टू बड़ा रहेगा, ठीक है। एक एक्सिस जो बीच में से पास कर रहे हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इसको कट करेगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस को, इसको पोल बोलते हैं, पोल। तो अब हम करने क्या वाले हैं, हम करने वाले हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में हम रिफ्रैक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, एक बार लाइट को भेजेंगे रेयरर से डेंसर और एक बार डेंसर से रेयरर। किस में भेजेंगे, रेयरर टू डेंसर एक बार स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कन्वेक्स लेंगे और एक बार कनकेव लेंगे, फिर डेंसर टू रेयरर में एक बार कन्वेक्स लेंगे एक बार कनकेव लेंगे। तो रिजल्ट आएगा कन्वेक्स में दो टाइप की इमेज बनेगी, रियल भी बनेगी वर्चुअल भी बनेगी, कनकेव में सिर्फ वर्चुअल बनेगी, कन्वेक्स के अंदर रियल बनेगी और कनकेव में वर्चुअल बनेगी। तो कुल मिला के आज हम पांच केस करने वाले हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पहला केस क्या करेंगे, रेयर डेंसर में, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में रियल का इमेज। तो यहां से स्टार्ट करते हैं।